देखिए, माता पिता का मतलब आपके जीवन में जीवंत ईश्वर है। माता पिता को ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया है और हम ईश्वर को भी माता पिता के रूप में स्मरण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं ना, यानी माता पिता का जो मूल्य है वो कोई जीवन में लगा नहीं सकता। माता पिता जब हमारे साथ इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं तो उनके स्वास्थ्य का, उनके जीवन का भी हमारी कुंडली से संबंध होता है। कैसे? किसी व्यक्ति की कुंडली का जो नवम भाव है, जो नाइन्थ हाउस है, वो पिता का होता है। कहीं कहीं पर दसवें भाव को भी पिता का स्थान माना जाता है। इसी तरह से चतुर्थ भाव माता का होता है। इन भावों के स्वामी से माता पिता का सीधा संबंध होता है और सूर्य की स्थिति से पिता को एसोसिएट किया जाता है। यानी नवम भाव उसका स्वामी और सूर्य, इनको देख करके पिता को जान सकते हैं। चतुर्थ भाव इसका स्वामी और चंद्रमा, इसको देख करके माता की स्थिति को जान सकते हैं। इन तमाम चीजों से माता पिता की स्थिति को जाना और समझा जा सकता है। माता पिता की कुंडली संतान के साथ बहुत गहराई से जुड़ी होती है। खास तौर से माता पिता की कुंडली का बृहस्पति और शनि, ये संतान के साथ गहराई से एसोसिएट होता है। इसीलिए संतान की कुंडली से माता पिता के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और संतान के ग्रहों का बहुत गहरा प्रभाव भी माता पिता के ऊपर पड़ता है। देखिए, आपको बताया कि माता के लिए चतुर्थ भाव उसका स्वामी और चंद्रमा, पिता के लिए नवम भाव उसका स्वामी और सूर्य। तो माता पिता का स्वास्थ्य ठीक होता है, ऐसा कब होता है? कुंडली में सूर्य मजबूत हो और नवम भाव का स्वामी अच्छा हो, या कुछ जगहों पर दशम भाव का स्वामी अच्छा हो, तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर दोनों में से कोई एक गड़बड़ हो, नवम भाव का स्वामी गड़बड़ हो या सूर्य गड़बड़ हो, तो पिता रहते तो हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इसी तरह से चंद्रमा और चतुर्थ स्थान के ठीक रहने से माता ठीक रहती हैं, लेकिन इनमें से एक भी अगर कमजोर हो गया तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। सूर्य और चंद्रमा अलग अलग माता पिता के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, लेकिन ओवरऑल अगर देखें, कुल मिला के देखें, तो कुल मिलाकर मंगल अगर ठीक हो तो माता पिता ठीक रहते हैं। संतान की कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो माता पिता को बिल्कुल दुरुस्त बनाए रखता है, वो मंगल है। इसीलिए संतान अगर नियमित रूप से अपने मंगल वाले पार्ट को, अपने सूर्य वाले पार्ट को, अपने चंद्रमा वाले पार्ट को ठीक रखे तो उससे माता पिता के बेहतर होने की संभावना जरूर होती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।